नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए बेस का और ढोलक का जो बेस साइड होता है उसका प्रैक्टिस करने का मैं आपको सही तरीका बताऊंगा। बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इसमें आपका वजन भी बढ़ेगा, प्लस आप घिस्सा वगैरह और थोड़ा सा जो है कि एडवांस टाइप का जो बेस होता है उसका मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, ये ढोलक अनंत पाटिल जी का जा रहा है कर्नाटक, तो उनका ये ढोलक है और ये फुल रिकॉर्डिंग टाइप बना है, वो भी बहुत हाई प्रोफेशनल क्वालिटी में। लकड़ी बहुत उनिंदा है इनका, ये रेड शीशम है, फिर भी इसका आप कलर देख सकते कितना डार्क है और स्किन वगैरह बहुत अच्छा क्वालिटी का ही मिलता है अपने इधर, पूरा हैंडमेड रहता है, कोई भी इसमें रेडीमेड काम नहीं होता है और लकड़ी से लेके स्किन से लेके सब जो है कि हैंडमेड ही मिलेगा आपको। तो चलिए इसका टोन सुनते हैं, फिर बाद में इसका लेसन लेते हैं। तो ये उनका टोन है, देख लीजिए, फुल रिकॉर्डिंग बना हुआ है उनका ढोलक। थोड़ा सा बजा के दिखाता हूँ, ये बेस है, बेस भी बिल्कुल इक्वरिट बना है, बहुत स्मूथ है, हैवी मसाला भी है फिर भी बहुत स्मूथ रहता है, बेस बहुत अच्छा आता है। तो चलिए थोड़ा बजा के देखते हैं। जो कि कर्नाटक जा रहा है, बहुत प्यारा ढोलक बना है और इसका आप ये भी देख सकते हैं, 7.5 फिक्स इसका जो है कि चाटी का लेंथ है और फिर भी बहुत अच्छा बोल रहा है। और ये रिंग का भी देख सकते हैं, पूरा एकदम बराबर है, बेस साइड भी देख लीजिए आप। और अगर आप ऐसा ढोलक लेना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लेट आने का प्रॉब्लम हो गया मेरे साथ में थोड़ा सा, तो उसके कारण मैं नहीं ला पा रहा हूँ। लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम आता रहता है, तो ऐसा ही कुछ खतरनाक कोई प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है अभी, जो मेरा कज़न सिस्टर है तो उसको थोड़ा सा ब्लड कैंसर का प्रॉब्लम हो गया है। तो आप लोग से गुजारिश करूंगा कि उसके लिए दुआ करें और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बेस का लेसन, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। आपको पहले डिसाइड करना है आपका सबसे पहले उंगली कौन सा चलता है, बीच का या फिर थर्ड फिंगर, फर्स्ट फिंगर भी इसमें इस्तेमाल होता है। अगर आप ये दो भी साथ में बजाते हैं, थर्ड फिंगर प्लस मिडिल फिंगर, तो अच्छा वजन आता है। तो आप इस तरीके से बजाइए इसे, तो ये एक तरीका होता है और खूबसूरत बनाने का है ना। ये उठा के रखने का एक अच्छा फ्लो आता है ढोलक में और पैटर्न कोई भी बजाए तो बहुत खूबसूरत लगता है इस तरीके से।
इसका प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा आपका बेस निखरता आएगा पहले, फिर रखना है, फिर मारना। तो गुस्से के लिए ऐसा भी कोई मारता है, फिर कोई ऐसा भी मारता है, बहुत तरीके से मार सकते हैं, ऐसा भी लगता है। तो इसके लिए बेस पीछे है, आगे लाना है, उसी को हाथ को भी उसी तरीके से मूव करना है। तो इस तरीके से, तो बहुत मुश्किल नहीं है, आप इसे जो है कि इस्तेमाल करिए। और आप ऐसा अगर ढोलक लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं आप ढोलक के बारे में। बहुत अच्छा ही और फुल गारंटी से मिलता है ढोलक, आपका रिफंड या रिप्लेस भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम आने पर ढोलक पर, तो सभी चीज़ का गारंटी मिलता है। इसका बेस और आस बढ़ाया जाएगा इसमें, वैसे अभी बहुत अच्छा बोल रहा है तो थोड़ा सा और आस बढ़ा देंगे ताकि जाने में थिकनेस जब पकड़ लेगा तो उसका लेवल अच्छा आ जाएगा। तो ये अभी क्योंकि बनकर आया है तो इसलिए थोड़ा सा बेस अभी खुला नहीं है अच्छे से, तो इसको अभी सुधार दिया जाएगा। तो बेस का प्रैक्टिस बहुत नॉर्मल है, ये थोड़ा सा आपका खूबसूरत बना देगा हर पैटर्न को। ऐसे अगर इस्तेमाल करेंगे इसे तो ये ढोलक अनंत पाटिल जी का है जो कि कर्नाटक जा रहा है, तो आप इसका जरूर बताइएगा कैसा लगा इसका टोन वगैरह। बहुत खूबसूरत इसका टोन है, और इसका रिंग वगैरह भी बहुत अच्छा बना है। तो दोस्तों अगर आप ऐसा ढोलक लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।